का जवाब आप दीजिए, राजेश भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने परदादा का सरनेम स्वीकार नहीं किया उनको जनता क्या स्वीकार करेगी। उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि भले ही चाहिए कि 10 साल से आपने यहाँ पर क्या किया, भले ही सोनिया गांधी सांसद थी लेकिन जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। बताता हूँ, हिंदू धर्म वाले लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, इनको पता होना चाहिए कि जब बेटी की शादी हो जाती है और अगर द्विवेदी की बेटी मिश्रा के घर में चली जाती तो मिश्रा का सरनेम लगता है, शादी पर सरनेम बदल जाता है। सरनेम तो इंदिरा गांधी से बदला हुआ है, सरनेम तो इंदिरा गांधी से बदल चुका है। आप लोग इस बात की बात करते हो, फिरोज गांधी वही है जो स्मृति ईरानी है, वो भी है, सरनेम बदल जाता है बहन बेटियों का। चलिए ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए। एक सेकंड, हो गया, रुक जाओ। 2014 में जब हमारी सरकार बनी सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया रेलवे लाइन का, जरा सुन लीजिए, विद्युतीकरण किया गया 3 साल के अंदर और डबलीकरण किया गया जो सोनिया 10 साल से कर रही थी, 10 साल सरकार थी नहीं कर पाई थी। और सुनिए, सोनिया 4 चुनाव जीती थी केवल ईटा रख रख करके। एम्स मोदी ने चलवाया, रेल कोच मोदी ने चलवाया, फिर कारखाना मोदी ने चलवाया, केवल ईटा रख करके 4 चुनाव जीता है मित्र, केवल ईटा। एक सेकंड रुक जाइए, दीपक जी जवाब देना चाहते हैं। दीपक जी देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत से भाई खड़े हुए हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ विद्या जी, कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में 2022 के मेरे मैनिफेस्टो में था, 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए दीपक भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, कि आप लोगों का गठबंधन है इंडी गठबंधन है कि नहीं है? देखिए इतनी जोर से, इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन आप लोगों का है। इंडिया बोलने में इतनी नफरत क्यों हो रही है? अच्छा, इंडिया गठबंधन, नफरत क्यों? इंडिया हमारा देश है, हार जाए तो बाद में कैसे कहेंगे कि इंडिया हार गया, इसलिए इंडी कहते हैं। इंडिया, खैर सुनिए मेरी बात, इंडिया कोई बात नहीं, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि मेरी घोषणा पत्र, एक मिनट, इंडिया, दीपक भाई एक सवाल मेरा ये है, एक सेकंड, कि आप लोगों का जो गठबंधन है सबने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है, तो मान लीजिए कि आप लोगों की सरकार आ जाती है तो इतनी लंबी फेहरिस्त हो जाएगी कि सब लड़ेंगे कि हमारी घोषणा जो हमने जारी किया था उसको लागू करना है, उस योजना को, तो चलेगी सरकार कैसे? विद्या जी, वो हमारी जिम्मेदारी है और सभी प्रधानमंत्री की लाइन में है। और हमारे पुराने घोषणा पत्र को आप उठा करके देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने जब जब जो जो कहा है वो क्या है। इनकी अपना घोषणा पत्र याद कर लें, इन्होंने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, आज हमारा उत्तर प्रदेश पर्चा लीक प्रदेश बना हुआ है 60 लाख बेरोजगारों के साथ, वहाँ हमारी बहन बेटियां नौजवान खड़े हुए, इनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? 60 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। 60 लाख नौजवानों के भविष्य, जल्दी से जवाब, उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया है इस समय बेरोजगार माफिया या तो ऊपर चले गए हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारी बहन बेटी आज रात में निकल, अरे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में है कोई जवाब आपके पास? तो राम राज्य से क्या 24 का राज मिलेगा? 2024 में भी राम राज्य केंद्र सरकार में बना करके और 2 इंजन की जो डबलीकरण, कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? 400 पार ये नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी, 400 पार मंदिर के बाहर कटोरा। आराम से, अब जरा राजेश जी शांत है आप, अगर इतने शांत रहे तो इस सीट ना हाथ से निकल जाए। हमारी सीट हाथ से नहीं जाएगी, आप सवाल करो बाबू। हाँ, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है, जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के दुख दर्द को सामने लाइए, लोगों के चूल्हे के रोजी रोटी के ईंधन के मुद्दे उठाइए, डीजल पेट्रोल के मुद्दे उठाइए। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा 4 साल से, 5 वर्ष और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा मुफ्त में, और उज्ज्वला योजना तरह कैसे जा रही है, जवाब सम्मान निधि दिया जा रहा है, बहाल के मुद्दे उठाइए, गरीबों आम आदमी का दीपक जी और सिंह साहब दोनों शांत हो जाइए। राजेश भाई आपने कहा कि जनता के मुद्दे उठाइए, मैं तैयार हूँ जनता के मुद्दे उठाने के लिए, सुनिए एक सेकंड रुक जाइए, मैं तैयार हूँ, लेकिन सेम पित्रोदा, बिल्कुल राहुल गांधी,
और सुनिए, आज ही आपके नेता का बयान आया है कि पाकिस्तान की इज्जत करना सीखिए। आप लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों करते हैं अगर जनता के मुद्दे उठाने आपको तो? नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँच गए कि उनको पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। तो आपके नेता क्यों पाकिस्तान जा रहे? पाकिस्तान के नाम पर कह रहा हूँ, आपके नेता क्यों पाकिस्तान जा रहे? पाकिस्तान का सहारा लेते हैं। आपके नेता पाकिस्तान जाएंगे या कहेंगे कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार दीजिए। प्रधानमंत्री गए थे, अरे रोड मैप बताएंगे ना, बिरयानी खाने गए थे। अच्छा चलिए, अच्छा परेशान मत होइए, एक सेकंड परेशान मत होइए राजेश भाई, परेशान मत होइए। सहारा एक और सवाल पूछ रहा हूँ और जनता के बीच से पूछूंगा। चुनाव जी एक और सवाल पूछ रहा हूँ, अगर राहुल गांधी यहाँ से जीतते हैं और इंडी गठबंधन देश में जीत जाता है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे? पहले तो आप ये बताइए, आप सबसे बड़ी चीज आप एंकरिंग कर रहे हो तो पढ़े लिखे आदमी हो। इंडिया है इंडिया, हाँ। और इंडिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहले बोलना सीखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बात करना सीखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री देश की जनता सिंहासन देने जा रही है, मतलब राहुल गांधी नहीं बनेंगे? अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इस देश की जनता तय करेगी। एक मिनट चाहिए, अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पाकिस्तान से ले आएंगे, पाकिस्तान से ले आएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये अडवाणी जी क्या कर रहे हैं? जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री ले आएंगे। मुझे जवाब दीजिए, अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक मिनट, जनता के पास जवाब दे रहा हूँ। अगर गई सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव हो तो मैं भी नाम बताऊंगा। ठीक है, उग्रता की कोई हद होती है भाई साहब? जब हमारे देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, इनके नेता के आने पे हमारे सलोन में दो पत्रकारों को पीटा गया, रायबरेली में पीटा गया, आप देखिए किस तरह उग्र हो रहे हैं, जब इनके एक उग्रता की हद नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण है। अरे ये भाजपा अभी तो कह रहे थे बीजेपी 400 सीट, ये कहते हैं योगी मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैं ये कहता हूँ, राहुल गांधी देश की जनता जो जनार्दन है, ये उनकी 400 सीटों में से 300 सीटें छीन ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का रायबरेली से, आज इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी प्रयागराज में, आपसे मिलेंगे और चलते चलते ग्रीनलैंड, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अगर कोई काम होता जो 10 साल की उपलब्धियां इन्होंने बताने के बजाय आज भी अगर ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मटन, अगर इनके पास ऐसी सोच अभी भी है तो इनके पास इसका मतलब उपलब्धियां कुछ नहीं है, सिर्फ 10 साल इन्होंने। क्या होना चाहिए और अब हमारे देश बदलना चाहिए, देश की सरकार बदलनी चाहिए और माननीय राहुल जी और अखिलेश यादव जी को अब जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। 10 साल में बहुत सारी, अभी देखिए हमारा, अभी हाईवेज देख लीजिए, जितने भी हाईवेज हैं हाईवेज में देख लीजिए, बहुत सारी अनेकों योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी की, अनेकों योजनाएं धरातल पे हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारी जो जनता के बीच में हैं।